सफ़र कई प्रकार के होते हैं, जैसे बचपन में बड़ा होने तक का सफ़र, उसके बाद शिक्षा का सफ़र और फिर ज़िंदगी बनाने का सफ़र। जी नहीं दोस्तों, आज हम इस तरह के सफ़र के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज इस वीडियो के द्वारा जर्नी एक्सप्रेस सेंट्रल पुरुलिया में हमने जो गाड़ी से सफ़र तय किया था उसके बारे में कुछ कहने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है गाड़ी से सफ़र करने के वक्त हम दोस्तों और परिवारों के साथ इतना खो जाते हैं कि कभी कभी बाहर के सुंदर दृश्य को हम अनदेखा कर देते हैं। आप में से बहुत जनों के साथ शायद ऐसा कई बार हो चुका है। पुरुलिया में गाड़ी से सफ़र के वक्त हमने जो जो दृश्य पाया वो सभी इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को गौर से देख रहे हो तो आपको समझ आ ही गया है पुरुलिया ने हाल फिलहाल में कितनी उन्नति की है। तो जो लोग पुरुलिया के बारे में पुरानी सोच रखते हो, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको अपनी सोच बदलने पड़ेंगे। जो दृश्य आपके सामने आ रहा है ये काफ़ी है आप सभी की पुरानी सोच बदलने के लिए। जर्नी एक्सप्रेस तो ये मानता है कि पुरुलिया भविष्य में पश्चिम बंगाल के सबसे लोकप्रिय वीकेंड डेस्टिनेशन बनने वाला है। इस विषय को लेकर आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम जब किसी भी जगह की सफ़र के लिए निकलने वाले होते हैं तब से हमारे जहन में हमेशा यही सोच एक रोमांच भर देता है कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। जर्नी एक्सप्रेस की सेंट्रल पुरुलिया सफ़र में आप लोगों ने कुछ हद तक इस विषय को परखा और जाना। इसके पहले वाले व्लॉग्स में हमने सेंट्रल पुरुलिया की ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को आपके सामने लाने की कोशिश की। फिलहाल ये पुरुलिया सफ़र की इस सीरीज़ का अंतिम वीडियो है। इस ब्लॉग सीरीज़ के बाद भी हम और भी पुरुलिया के वीडियोज़ लाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों हमें आपका प्यार तो मिल रहा है पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो उन दोस्तों के लिए कह रहा हूँ, हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें इससे बहुत मदद मिल जाएगा। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे साथ जर्नी एक्सप्रेस देखते रहिए।